हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मंडला फ्रॉम एसएनएस क्लासेस कोलकाता और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कॉमर्स का परसेंटेज बूस्टर सीरीज। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। पार्ट वन में हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस के बारे में डिटेल तरीके से डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं सर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स उन शेयर्स को बोलते हैं जिनमें कुछ प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैपिटल मार्केट में दो तरह का इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं ओनरशिप सिक्योरिटीज और एक को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। ओनरशिप सिक्योरिटीज का दो पार्ट है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। सर, अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंड को रेज करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होता है जो अगर किसी शेयर होल्डर ने परचेस किया या अगर कंपनी ने उसको इशू किया तो शेयर होल्डर को दो तरह का प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंस और प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ प्रेफरेंस या फिर प्रायोरिटी मिलता है। सर, पहला जो आपको प्रेफरेंस मिलता है वो मिलता है डिविडेंड के रेस्पेक्ट में। सर, जो डिविडेंड होता है ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को फिक्स रेट से मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं सर प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। और इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के पहले कंपनी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पे कर देगा। सर, प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिनमें दो तरह का प्रेफरेंस अटैच्ड है। सबसे पहला प्रेफरेंस है डिविडेंड को लेकर। सर, एक तो डिविडेंड आपको मिलेगा फिक्स रेट से और दूसरा इक्विटी को डिविडेंड देने के पहले, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से और उनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी वालों के पहले। और जो दूसरा प्रेफरेंस है वो है कैपिटल के रिगार्डिंग में। जब भी सर कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा, जब भी कंपनी को बंद किया जाएगा, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा तो इक्विटी वालों को पैसा देने के पहले, इक्विटी वालों को उनका पैसा रिटर्न करने के पहले प्रेफरेंस वालों को उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। सर, वापस एक बार, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंस और प्रायोरिटी राइट्स, विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंस और प्रायोरिटी राइट्स। फर्स्ट, डिविडेंड उनको मिलता है फिक्स रेट से एंड इज पेड इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड मिल जाएगा। और कैपिटल का जो रिपेमेंट होता है ना, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कैपिटल इज रीपेड इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी वालों को पैसा देने के पहले प्रेफरेंस वालों को उनका पैसा मिल जाएगा। बट सर, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना उनमें उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। जनरली वर्ड जरूर लिखिएगा क्योंकि ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोट करने का अधिकार मिल जाता है। सो डू राइट जनरली वर्ड। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को वोट करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। आई थिंक आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं इक्विटी शेयर्स में। सर, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? सर, इक्विटी शेयर्स वो होता है जिनके पास कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, कोई प्रायोरिटी नहीं होता है। सर, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होता है जिनमें कोई प्रेफरेंस या कोई भी प्रायोरिटी नहीं होता। मतलब सर, जो इनको डिविडेंड है ना वो प्रेफरेंस वाले के बाद मिलेगा। सर, इक्विटी वालों को डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद मिलेगा। प्लस इनको डिविडेंड फिक्स रेट से नहीं मिलता है, इनको रेसिडुअल प्रॉफिट मिलता है। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, जिन्हों से लोन लिया उनको इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो पैसा बच गया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया तो हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल प्रॉफिट। इनको रेसिडुअल प्रॉफिट का अधिकार मिलता है। दे आर एंटाइटल टू द रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दे आर एंटाइटल टू द रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और सर, जो दूसरा है ना, इनको जो कैपिटल है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो पहले सारा कंपनी अपना उधार चुकाएगा, अपना डेट को रीपे करेगा, लोन को रीपे करेगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनका पैसा रीपे करेगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा कंपनी के पास बच गया तो फिर इक्विटी वालों को मिलेगा। सर, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी, विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। उनके पास कोई स्पेशल अधिकार, कोई प्रेफरेंस नहीं होता क्योंकि डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट हैज बीन मेड, आफ्टर इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन द डेट एंड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स। आप डेट पे इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद जो रेसिडुअल प्रॉफिट बचता है उसमें इनका अधिकार होता है।
एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पहले कंपनी अपना सारा डेट चुकाएगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा रीपे करेगा, उसके बाद जो पैसा बच गया वो कंपनी इक्विटी शेयर वालों को दे। तो सर फिर ये लोग खरीदते क्यों है? सर डिविडेंड सबसे लास्ट में देगा, पैसा बचने के बाद देगा, तो सर लोग खरीदता क्यों है इक्विटी शेयर? बिकॉज इक्विटी शेयर आर एंटाइटल, दे आर एंटाइटल टू द रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब रेसिडुअल वर्ड ना थोड़ा सा नेगेटिव सा वर्ड लगता है सर, बचा कुचा हुआ प्रॉफिट मिले। आप बचा कुचा को दो तरीके से सोचो, अगर सर प्रॉफिट कम बचा तो कम मिलेगा ठीक है, लेकिन सर अगर बहुत प्रॉफिट बच गया तो बहुत पैसा मिलने का भी तो चांस है। तो रेसिडुअल वर्ड बड़ा नेगेटिव वर्ड नहीं है, रेसिडुअल दोनों सेंस में आप ले सकते हैं। अगर सर कम प्रॉफिट बचा तो कम पैसा मिलेगा, ज्यादा बच गया तो ज्यादा भी तो मिलने का संभावना है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं दे सिंक एंड स्विम विद द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कंपनी। दे सिंक डूब जाते हैं एंड स्विम तैर जाते हैं विद द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बहुत तरक्की कर गया तो इनको भी बहुत प्रॉफिट मिलता है, कंपनी अगर डूब गया तो भैया इनका भी डिविडेंड भी गया और लगाया हुआ पैसा भी गया। प्लस इन ये लोग अल्टीमेटली रिस्क बियरर है। अब आप देखो रिस्क तो ये लोग ले ही रहे ना, तो डिविडेंड बचा कुचा मिलेगा, जब कंपनी बंद होगा तो सबको देने के बाद पैसा मिलेगा। बट एक बहुत अच्छा चीज होता है जो हम शायद यहाँ पे लिखना भूल गया, बट हम आप लोगों को बता देते हैं, दे आर एंटाइटल टू वोटिंग राइट। इनके पास वोट करने का पूरा पूरा अधिकार होता है, दे आर एंटाइटल टू वोटिंग राइट, इनके पास वोट करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ चुका है। हम लोग सर क्या बात करें, हम लोग अभी तक दो टॉपिक डिस्कस किए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और इक्विटी शेयर्स क्या होता है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके बीच में डिफरेंस आने का पूरा पूरा संभावना बनता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में आपको डिविडेंड पूछा जा सकता है। सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? जिनके पास दो प्रेफरेंस होता है सर, पहला डिविडेंड को लेके, दूसरा कैपिटल के रीपेमेंट को लेके। बट सर वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सर इक्विटी का बात करें तो इनके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। डिविडेंड इनको प्रेफरेंस के बाद मिलेगा, इंटरेस्ट देने के बाद मिलेगा। और कैपिटल सारे को पैसा देने के बाद, फुल सबको पैसा दे दिया, उसके बाद जो पैसा बच गया वो इनको मिलेगा। लेकिन सर एक बहुत अच्छा बात है कि ये लोग को रेसिडुअल प्रॉफिट मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है। दे सिंक एंड स्विम विद द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कंपनी। सर वोट करने का अधिकार मिलता है एंड दे आर द अल्टीमेट रिस्क बियरर। मालिक लोग टाइप के लोग है ना, दे आर ओनर लोग, ओनर मालिक लोग है ये लोग, तो मालिक लोग तो भैया रिस्क बियर करेगा ही। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात क्लियर है। हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सर डिबेंचर। सर डिबेंचर क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सर डिबेंचर को अगर लेमैन की तरह समझाए ना, तो सर डिबेंचर मतलब हो गया लोन, डिबेंचर का मतलब हो गया आपका डेट, लोन। बट लोग लेमैन नहीं है तो हम लोग कैसे समझेंगे? सर डिबेंचर एक सर्टिफिकेट को या डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जो एक कंपनी इशू करता है। जब भी कंपनी पब्लिक से या कुछ लोगों से जब कंपनी लोन लेता है, डेट लेता है, उधार लेता है, तो बदले में उनको क्या देता है? एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कंपनी का उसमें सील लगा होता है, अंडर इट्स कॉमन सील। असल ये जो डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट है ना, ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है। कंपनी एक्नॉलेज कर रहा है, कंपनी मान रहे कि मैंने भैया आपसे डेट लिया है। सर वापस एक बार प्लीज कॉन्सेंट्रेशन, एकदम चरम सीमा पे एकदम कॉन्सेंट्रेशन। सर डिबेंचर क्या होता है? सर डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू कर रहा है एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट अंडर इट्स कॉमन सील। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कंपनी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भैया मैंने आपसे डेट लिया। और कंपनी ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक अंडरटेकिंग भी है। अंडरटेकिंग मतलब बिलीव करो मेरे पे, अंडरटेकिंग, हम अंडरटेक कर, हम गारंटी दे रहे, हम प्रूफ दे रहे आपको कि हम आपको आपका पैसा आपके इंटरेस्ट के संग वापस रीपे कर देगा। सर दो इसमें मेन कीवर्ड है, एक्नॉलेजमेंट और अंडरटेकिंग। सर डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करता है अंडर इट्स कॉमन सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट। इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि मैंने आपसे डेट लिया है। और ये अंडरटेकिंग भी है कि हम आपको स्पेसिफाइड सम, जितना मैंने आपसे पैसा लिया है या जो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है, स्पेसिफाइड सम हम आपको वापस दे देगा इंटरेस्ट के साथ जब टाइम एक्सपायर होगा तब। सर टाइम एक्सपायर होगा मतलब हो गया कि जब कंपनी लोन लेता है ना, कंपनी बता देता है कि ये पैसा हम आपसे 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो 5 साल बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। सर जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं और इनको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट से। कंपनी पहले ही बता देते हैं कि बस हम आपको 6% देगा, 8% देगा, 12% देगा, और वो फिक्स रेट से इनको इंटरेस्ट जो है वो मिलता है।
आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। एक बार फटाफट, सर डिबेंचर क्या होता है? सर डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करता है अंडर इट्स कॉमन सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय इट एंड एन अंडरटेकिंग टू रीपे द स्पेसिफाइड सम विथ इंटरेस्ट एट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। जो खरीदता है डिबेंचर होल्डर फिक्स रेट से इनको इंटरेस्ट मिलता है। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच का डिफरेंस ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, ध्यान से प्लीज पढ़िएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये एग्जाम में दो मार्क का पूछेगा, बट फिर भी पांच पांच डिफरेंसेस हम लोग पढ़ के जाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी है दो मार्क का ही पूछेगा। सर इक्विटी शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू होता है ना, सर नॉमिनल वैल्यू का मतलब हो गया फेस वैल्यू, जो बेस वैल्यू होता है वो बहुत ही लो होता है। सर लॉजिकल सा बात है ना, जो चीज में रिस्क ज्यादा होता है ना उसका नॉमिनल वैल्यू कम होता है, जो चीज में रिस्क ज्यादा कम होता है उसका वैल्यू हाई होता है। वेरी सॉरी। उसके बाद सर राइट टू डिविडेंड, राइट टू डिविडेंड, सर राइट टू डिविडेंड मतलब इक्विटी को डिविडेंड कब मिलेगा? प्रेफरेंस के बाद। और प्रेफरेंस को डिविडेंड कब मिलेगा? इक्विटी के पहले, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी। सर कितना रेट से मिलेगा? सर इक्विटी का हम लोग पढ़े हैं, उनका तो प्रॉफिट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है ना, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा डिविडेंड, कम कमाएगा तो कम डिविडेंड, नहीं कमाएगा तो नो डिविडेंड। बट प्रेफरेंस शेयर का रेगुलर मिलता और फिक्स रेट से मिलता, रेगुलर मिलता और फिक्स रेट से मिलता। सर क्या इक्विटी वालों को वोट करने का अधिकार मिलता है? जी हाँ सर, फुल वोटिंग राइट मिलता है, दे आर एंटाइटल टू फुल वोटिंग राइट। बट सर प्रेफरेंस वालों को नॉर्मली वोट करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। सर इक्विटी वाला को पैसा वापस कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस को पैसा दे दिया जाएगा उसके बाद। कैपिटल रिफंड करेंगे लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस को देने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। और सर प्रेफरेंस वालों को इक्विटी के पहले मिल जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। आप लोग दो मिनट का टाइम लेके वीडियो को पॉज कर लो और एक बार रीड कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस पे बढ़ते हैं, शेयर्स और डिबेंचर पे। तो आई थिंक आप लोग इसको रीड कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सर शेयर्स और डिबेंचर के बीच में क्या फर्क है? सबसे पहला तो फर्क है कि जो शेयर्स जब कंपनी इशू करता है ना तो कंपनी ओन्ड फंड रेस करता है, डिबेंचर रेस करता है तो बोरोड फंड रेस करता है, जब डिबेंचर इशू करता है तो बोरोड फंड रेस करता है। सर शेयर जो खरीदेगा उसको वोट करने का अधिकार मिलेगा, जो लोन लेगा उसको वोट करने का अधिकार नहीं। शेयर का पैसा कब रिपे किया जाता है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तब जब कंपनी को बंद किया जाता है तभी शेयर का पैसा रिटर्न किया जाता है। लेकिन जो डिबेंचर होता है ऊपर हम लोग पढ़े थे, स्पेसिफाइड टाइम के बाद कंपनी इशू करते समय बता देगा कि बॉस हम 5 साल के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, 5 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस रिपे हो जाएगा। तो जो कंपनी का शेयर खरीदता है ना वो कंपनी का मालिक बनता है, जो डिबेंचर खरीदता है वो क्रेडिटर बनता है। आई थिंक आप लोग को मेरा बात यहां तक क्लियर है। हम लोग सर आगे बढ़ते, विच इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। चलिए लास्ट टॉपिक है अपने लोग का, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखिए सर कमर्शियल बैंक के लिए आप एक बात याद रखना, कमर्शियल बैंक हमेशा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए लोन देता है। कमर्शियल बैंक हमेशा आपको शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म के लिए लोन देता है। सबसे पहला तरीका क्या है लोन देने का? एक हो गया आपका टर्म लोन। सर टर्म लोन में क्या होता है ध्यान से देखिए, टर्म लोन में क्या होता है ना, आपको बैंक एक लमसम अमाउंट दे देगा, लोन आपको दे देगा बैंक लमसम अमाउंट शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए आपको एक लोन ऑफर कर देगा, लमसम अमाउंट दे देगा। जब आप लोन लेता है तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई असेट गिरवी रखना पड़ता है या कोई ना कोई गारंटी देना पड़ता है। जब आप लोन लेगा तो आपको कुछ ना कुछ असेट का सिक्योरिटी देना पड़ेगा या फिर आपको कोई ना कोई गारंटी देना पड़ेगा। जब आप लोन लेता है ना तो आपको उसको रिपे भी करना पड़ता है, जो बोरोअर होता है उसको रिपे करना पड़ता है। आप पैसा को या तो लमसम एक बार में रिपे भी कर सकते हैं या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में, जिसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं, आप ईएमआई के फॉर्म में भी रिपे कर सकते हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट एंटायर लोन अमाउंट पे लगेगा। सपोज आपने 1 करोड़ का लोन लिया लेकिन आपने यूज उसमें से केवल 50 लाख किया तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, अगर बैंक ने आपको 1 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है तो बैंक पूरे 1 करोड़ पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना कि यूसेज के अमाउंट। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन बैंक्स ऑफर लोन टू बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। बैंक्स फॉरवर्ड्स को, बिजनेस फर्म्स को शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप लोन लेते हो तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है असेट्स का या फिर कुछ ना कुछ गारंटी देना पड़ता है। पैसा आप जब रिपे करोगे तो लमसम भी रिपे कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट है ना, जो इंटरेस्ट है वो आपको पूरे लोन अमाउंट पे लगेगा।
पूरे 100% लोन अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा ऑन द एंटायर लोन अमाउंट। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैश। सर कैश क्रेडिट क्या होता है? सर कैश क्रेडिट ना एक फॉर्मल और रिवॉल्विंग क्रेडिट है। ये बात को आप लोग जरूर से ध्यान रखना, फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। सर फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट, सर फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। सर फॉर्मल क्यों? क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। रिवॉल्विंग क्यों? क्योंकि सर आप क्या करता है, कैश क्रेडिट में पैसा लेता है, जैसे ही आपका काम खत्म हुआ तुरंत आप पैसा को रिपे करता है, फिर पैसा लेता है, काम खत्म हुआ फिर वापस से रिपे कर देते हैं। रिवॉल्विंग कंटिन्यूअस ये पैसा रिवॉल्व होता रहता है, इसीलिए इसका नाम है रिवॉल्विंग क्रेडिट। फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट, जहां पर बोरोअर को हम लोग एक लिमिट सैंक्शन कर देते हैं, वेर बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। एक लिमिट आप सैंक्शन कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ना 50,000 रुपीज तक विड्रॉ कर सकते, 50,000 तक आप विड्रॉ कर सकते, लिमिट सैंक्शन कर दिया। और यहां पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो इंटरेस्ट है ना वो केवल यूसेज पे लगता है, जितना आप एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ करोगे। मैंने आपको लिमिट दिया 50,000 का, आपने यूज किया केवल 30,000, सर इंटरेस्ट केवल 30,000 के ऊपर लगेगा, सर इंटरेस्ट केवल 30,000 के ऊपर लगेगा। बट जब आप कैश क्रेडिट लेते हो ना, तो आपको बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, असेट्स या फिर गारंटी के फॉर्म, सेम लाइक लोन, आपको असेट्स या फिर गारंटी के फॉर्म में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक को देना पड़ता है। आई थिंक क्लियर है आप लोग को। हम लोग चलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में। सर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में लगभग लगभग कोई डिफरेंस नहीं, ये भी एक फॉर्मल क्रेडिट है, रिवॉल्विंग क्रेडिट है, ये भी फॉर्मल क्रेडिट है, रिवॉल्विंग क्रेडिट है। आपको यहां पर भी एक लिमिट मिल जाता है, जितना अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा क्या है कि यहां पर आपको एक करंट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए तो यू नीड टू हैव अ करंट अकाउंट विद द बैंक। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी नहीं देगा। यू नीड टू हैव अ करंट अकाउंट विद द बैंक टू अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर में बढ़ते हैं, विच इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम आपको एक बार ध्यान से समझा देते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग इसका टेक्स्ट रीड करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, सपोज यहां पर ना दो बंदे हैं, एक आपका बायर है और एक आपका सेलर है। ये आपका हो गया बायर और ये हो गया आपका सेलर। अब सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो बायर है ना, इस बायर को गुड्स बाई करना है लेकिन इसके पास अभी देने को पैसा नहीं है, और सेलर गुड्स बेचना चाहता है लेकिन क्रेडिट पे नहीं बेचना चाहता, उधार पे नहीं बेचना चाहता। सर ये लोग क्या करेंगे, सेलर क्या करेगा, सेलर इसको गुड्स बेच देगा, सेलर इसको गुड्स दे देगा, बदले में बायर क्या करेगा, एक प्रोमिसरी नोट, एक पीस ऑफ पेपर, एक प्रोमिसरी नोट होता है, इसको हम लोग प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बायर क्या करेगा, एक अंडरटेकिंग दे देगा, पेपर पैसा लिख के दे देगा कि मैं आपको आने वाले 30 दिन के बाद इतना इतना पैसा लौटा दूंगा, ऐसा बायर ने लिख के दे दिया। इसको बायर भी साइन कर देगा, सेलर भी साइन कर लेगा, और ये जो पीस ऑफ पेपर है ये चला जाएगा आपके सेलर के पास। यहां तक का बात क्लियर है? सर एक बायर है, एक सेलर है, बायर को गुड्स खरीदना है, पैसा नहीं है, सेलर को बेचना है, उधार बेचना नहीं चाहता है, तो क्या किया दोनों ने, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया, एक पीस ऑफ पेपर पे साइन कर दिया, सारा जो भी उनके बीच में वर्बल कॉन्वर्सेशन हुआ वो सारा कोई पेपर पे पेन डाउन कर लिया और दोनों ने साइन कर दिया कि हाँ चलो मैं आपको 30 दिन के बाद पैसा लौटा दूंगा। अभी जो पीस ऑफ पेपर है ये चला जाता है सेलर के पास। सेलर क्या करता है, सेलर को तो तुरंत पैसा चाहिए, और इस पीस ऑफ पेपर में क्या लिखा हुआ है, दैट हम आपको पैसा 30 दिन के बाद लौटा देगा। बट सेलर बोलता है सर पैसा आज ही चाहिए या इमीडिएटली पैसा चाहिए। तो सेलर क्या करता है, सेलर अप्रोच करता है एक बैंक को और बैंक को बोलता है बैंक मेरे को उस बंदे से 30 दिन के बाद 10,000 रुपया मिलना है, बट आई नीड द मनी नाउ। बैंक बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे 500 रुपीज अपना चार्ज काटेंगे और 9,500 रुपीज इमीडिएटली आपको दे देंगे। सेलर खुश, थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन सेलर खुश, काम बन गया उसका। अब जब 30 दिन के बाद, जिसको हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं, जब 30 दिन के बाद बैंक क्या करेगा, इस बायर को अप्रोच करेगा कि बायर पैसा दो। बायर क्या करेगा, बैंक को पूरा 10,000 रुपीज रिटर्न कर देगा। बैंक जो बायर है वो बैंक को पूरा 10,000 रुपीज रिटर्न कर देगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो बैंक है ये कौन सा बैंक है, सर ये कमर्शियल बैंक है। अब आप इसमें देखो सबका फायदा हो गया, सेलर को माल बेचना था बेच दिया, बायर को खरीदना था खरीद लिया, बैंक को भी 500 रुपए का इनकम हो गया, तो हर पार्टी का इसमें कुछ ना कुछ फायदा है।
जिसको जो एकम्प्लिश करना था हर लोगों ने एकम्प्लिश कर लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया ब्रीफली। अब हम लोग एक बार टेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा हुआ है। तो सर बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है बिजनेस को बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको देखो डिस्काउंट कर दिया, कुछ डिस्काउंट काट के पैसा दे दिया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको टॉपिक क्या पूछा है, बोला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। सर डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कमर्शियल बैंक क्या करता है, बोरोअर को शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है। कैसे देता है, उनके बिल को डिस्काउंट करके। सर डिस्काउंटिंग का मतलब होता है, एनकैशमेंट ऑफ बिल। आपने क्या किया, इस कागज के टुकड़े को, इस पीस ऑफ पेपर को एनकैश करा लिया, बैंक को देके बदले में पैसा ले लिया, एनकैश करा लिया। सर डिस्काउंटिंग का मतलब होता है एनकैशमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सर हमारे एग्जांपल में डेट ऑफ मैच्योरिटी कितना था, 30 डेज। बोलो हाँ या ना, 30 डेज था कि नहीं था, बट उसके पहले ही हम लोगों ने बिल को एनकैश करा लिया। बैंक क्या करता है, बैंक कुछ चार्जेस को डिडक्ट करता है बिल से और बाकी पैसा रिमिट कर देता है ड्रॉयर को। सर ड्रॉयर कौन हो गया, सेलर। ड्रॉयर हो गया सेलर। कुछ टर्म्स है जो आप लोग क्लास 11 के अकाउंट्स में सीखेगा, वहां पे पूरा एक चैप्टर है अपने अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, वहां पे आप लोग डिटेल में इसको सीखने वाले हैं। बट अभी के लिए आप लोग एक बार ड्रॉयर तक लिमिटेड हो जाओ कि ड्रॉयर को बैंक पैसा काट के बैलेंस पैसा दे देते हैं, और जब ड्यू डेट आता है ना तो बैंक क्या करता है, ड्रॉई से, ड्रॉई मतलब हो गया ये बायर हो गया ड्रॉई, ड्रॉई से पैसा को कलेक्ट कर लेते हैं। बैंक ड्रॉई से पैसा को कलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। सर कमर्शियल बैंक बोरोअर को शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है उनके बिल को डिस्काउंट करके। पहला लाइन, बैंक बोरोअर को शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है उनके बिल को डिस्काउंट करके। सर बिल डिस्काउंटिंग का मतलब, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एनकैश करना ड्यू डेट के पहले। जो पीस ऑफ पेपर है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक सेकंड, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको एनकैश करना ड्यू डेट के पहले। बट बैंक ऐसे फ्री में कोई सर्विस नहीं देगा, बैंक क्या करेगा, कुछ चार्ज डिडक्ट करेगा और बैलेंस पैसा आपको दे देगा, चार्ज डिडक्ट करेगा और बैलेंस पैसा आपको दे देगा। और जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक जो एक्चुअल बायर है उस बायर से पैसा को कलेक्ट कर लेगा। अगर आपको ड्रॉयर वर्ड नहीं याद रहता है तो आप सेलर लिख देना, बट आई हाईली सजेस्ट कि आपको ड्रॉयर वर्ड यूज करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे ड्रॉई वर्ड नहीं याद रहे तो आप बायर वर्ड यूज कर लेना, बट अगेन सजेस्टिंग कि आपको ड्रॉई वर्ड यूज करना, ठीक है। सो दिस टेक्स केयर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कॉस्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक है और एक ही सेशन में पूरा वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर। अगर आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने मिला, हेल्प हुआ, तो वीडियो को फ्रेंड्स के संग शेयर करिए और हम लोग मिलते हैं। Till then, take care. Bye-bye. Thank you.